डॉक्टर साहब हम पूरी कोशिश करेंगे जाह्नवी को हर टेंशन से दूर रखें, उसका पूरा ध्यान रखें। उसे किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके सेहत के लिए वो बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। आइंदा सावधान रहना, अगली बार तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहने वाला। अरे थैंक यू साले साहब, थैंक यू। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि फाइल इरेज कैसे होगी? इस साला कंप्यूटर तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। टेक्नोलॉजी माय ब्रदर इन लॉ, टेक्नोलॉजी। अगर दक्ष तुम्हारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके वो ट्रांजैक्शन देख सकता है तो मैं भी तुम्हारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके उन सारे ट्रांजैक्शंस को इरेज कर सकता हूं। अब समझ में आया हर बार देव बच कैसे जाता है। प्रांजल उसके साथ है। चिंता मत करो देव, अब तुम्हारी इमेज खराब करने से पहले ये 10 बार सोचेगा क्योंकि इसका पासा उल्टा पड़ गया है। अब कोई इसका तमाशा देखेगा नहीं। एक शब्द भी मत बोलना, कुछ भी बोलने से पहले सोच लो क्योंकि तुम्हारी जुबान से बोला हुआ हर एक शब्द हथियार बनकर तुम पर ही वार करें। अभी अभी घर में जो थोड़ी बहुत इज्जत तुम्हें मिली है ना, वो भी चली जाएगी। तुम्हारी शादी होने वाली है दक्ष, अपनी शादी पर कॉन्सेंट्रेट करो ना और खुश रहो। इन सब झमेलों में मत पड़ो वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, समझे? कमाल है, प्रांजल तो मुझसे भी बड़ा शातिर निकला, पूरी तरह से दक्ष को अपने काबू में कर रखा है। चू तक नहीं निकाली दक्ष ने। इसे कहते हैं भाईगिरी। जियो प्रांजल। टोपी में स्मार्ट लग रहा है। साले साहब, दुनिया गोल है, दुनिया की गोलाई को यूं नाप सकता हूं मैं, लेकिन एक बात सोच सोच के मेरा सर घूम गया कि वो कौन सी बात है कि दक्ष की तुम्हारे आके बोलती ही बंद हो जाती। मतलब दक्ष तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता जबकि तुम तो कितने कम अच्छे हो, लेकिन साले साहब आपने उसको काबू में कैसे कर रखा है? अरे मेरे बेकाबू जीजा जी, बाल की खाल क्यों उतार रहे हो? अपने मतलब का माल निकालो ना और सावधान रहो क्योंकि दक्ष सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा होगा तुम्हें बेनकाब करने के लिए। मैं जानती हूं दक्ष तुम पर क्या बीत रही है। मैं जानती हूं तुमने हमेशा इस घर का भला चाहा है। जब भी तुम कुछ करते हो इस घर के अच्छे के लिए करते हो, लेकिन दक्ष देव एक बहुत चालाक आदमी है। वो इस घर में अपनी जड़ें जमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चिंता मत करो देव, अब तुम्हारी इमेज खराब करने से पहले ये 10 बार सोचेगा। वो इस घर की बुनियादें भी हिला सकता है। पलक, इस घर की बुनियादें ही इस घर की दीवारें हिला रही हैं। कैसे कहूं तुमसे कि अकेला देव कुछ भी नहीं कर रहा है, प्रांजल भी उसके साथ है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी दक्ष कि तुम अपना ख्याल रखो। जब तूफानों का रुख अपनी तरफ होता है तो उनसे लड़कर कोई फायदा नहीं। तूफानों ने हमेशा मेरा आशियाना उजाड़ा है पलक, जब भी मैं किनारे पर पहुंचता हूं तो एक और नया तूफान आ जाता है। अभी भी जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसली नहीं, अभी भी तुम जिंदगी को थाम सकते हो। हम जहां खड़े हैं, जिस हाल में खड़े हैं, वहीं से एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। मम्मी जी ने तुम्हें नीचे बुलाया है लड़कियां पसंद करने के लिए। तुम मैं जानता हूं पलक, मेरे दर्द से तुम्हारा दर्द कहीं ज्यादा गहरा है,
लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें जिंदगी के हर दर्द से बचाऊंगा। देख बेटा, ये अच्छी है ना? ये बड़ी प्यारी है ना पलक? इसमें से देखता है। हाँ। नहीं, इसके बाल बहुत खराब है। माँ, अरे जानवी बेटा, तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, फिर उठकर यहाँ क्यों आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था उसे, लेकिन मेरी बात तो सुनती ही नहीं है ना, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, मैं कैसे सुन लूं इनकी बात? मेरे भाई के जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो रहा है और मैं आराम करूं? लाइए स्नैप्स मुझे दीजिए, मैं अपनी भाभी चुनूंगी। बेटा, तुम्हें भी तस्वीरें देखनी है तो चलो ना, हम सब तुम्हारे कमरे में आते हैं, वहीं जाके देखेंगे। चलिए आओ। नाइस पिक्चर, आई मीन राइट पिक्चर। पलक, ये वही लड़की है जिससे दक्ष शादी करेगा। केशवी, यहाँ जितनी भी लड़कियों की तस्वीरें हैं सारी रिजेक्टेड है और अनमैरिड भी। तो तुम शायद भूल रही हो कि केशवी को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन केशवी को कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। वैसे भी ईशान वापस घर आ गया है, दूसरी शादी करने के बजाय पहली शादी को निभाओ और एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर। बनूंगी ना, एक बहुत अच्छी पत्नी बनूंगी, लेकिन ईशान की नहीं, दक्ष की। मुझे इसमें से एक भी लड़की पसंद नहीं है। भैया कहाँ है? ये लड़कियां अच्छी नहीं है। अरे जानवी, शादी तो तेरे भाई को करनी है ना, तू क्यों फिकर करती है? तू बस चुपचाप अपनी दवाई खा और शांति से सो जा बस। लेकिन बुआ जी, उस दवाई से बहुत नींद आती है और मैं इतनी जल्दी सोना नहीं चाहती। माँ, पंडित जी से कहिए ना जल्दी मुहूर्त निकाल ले, अगर मैं हमेशा के लिए सो गई तो। बस चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। माँ, मेरे चुप होने से सच्चाई छुप तो नहीं जाएगी ना, और वैसे भी अब मुझे मौत और जिंदगी की कोई टेंशन नहीं है। बस मेरी एक ही इच्छा है कि दक्ष भैया की शादी हो जाए। अरे, अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपको यहाँ किसने बुलाया, क्यों बुलाया? आपको चेकअप करने के लिए, देव ने ही मुझे भेजा है अभी। अरे लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो देखो, आराम से लेट जाओ। बेटा संभल के। देखिए, इन्हें जल्द से जल्द इमरजेंसी यूनिट में एडमिट करना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल? नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे घर में ही रहना है, बहुत काम है, शादी की विधिया भी देखनी है मुझे। भैया, इस घर में आपकी एंट्री तब होगी जब मेरी मांगे पूरी होंगी। भाभी, आज से इस घर की खुशियां आपके हाथ। मैं वादा करती हूँ जानू, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगी। भैया, मैं आपके लिए पलक भाभी जैसी लड़की तो नहीं ढूंढ सकती, लेकिन आपसे वादा करती हूँ
कि पलक भाभी की परछाई ढूंढ कर दूंगी। जानवी, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद उसे देखेंगे। नहीं भैया, मेरे पास वक्त कहाँ है? वक्त नहीं है मेरे पास। और मैंने माँ से कहा है कि जल्दी मुहूर्त निकाले। माँ ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर मुहूर्त निकल जाएगा। पलक, तुम सही कह रही थी। जानवी की शादी देर से करवाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज जानवी की जो हालत है, उसकी तकलीफ है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं पलक, सिर्फ मैं। जो हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें यह देखना है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तुम जानवी के लिए जितना कुछ कर सकते थे उतना तुमने किया, लेकिन अब भगवान पर छोड़ दो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जो चीजें हमारे बस में नहीं होती उन्हें हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अरे भगवान क्या कर सकते हैं? अब तक भगवान ने किया क्या है? भगवान पर से तो मेरा भरोसा ही उठ गया। अगर ईश्वर कहीं होते तो वो हमेशा बुराई का साथ क्यों देते हैं पलक? ऐसा नहीं कहते दक्ष, अंत में हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। जानवी, बेटा देव। जी बाबा जी। प्रांजल को फोन लगाओ, क्योंकि इस वक्त वही है तो इस मुसीबत में हमें सहारा दे सकता है, वरना दूसरों से उम्मीद करना भी फिजूल है। फोन लगाओ। डॉक्टर साहब, जानवी कैसी है? वो ठीक तो है ना? इस वक्त हम आपको कुछ नहीं बता सकते, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा का मतलब क्या है डॉक्टर? आप डॉक्टर हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? दक्ष, कंट्रोल योरसेल्फ, ये अस्पताल है, अपने आप को संभालो। ओके, जैसे ही हमें उनकी कंडीशन का पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? थैंक यू। पापा, ये डॉक्टर का मतलब। कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को संभालो। पापा, आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, मैं बुआ जी के साथ यहाँ रुकती हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुषमा, पलक ठीक कह रही है, चलो। पलक बेटा, डॉक्टर साहब ने कुछ कहा? नहीं पापा, अभी तक डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर चंद्रकांत, आई एम सॉरी, उनकी हालत और ही बिगड़ती जा रही है। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आज के जमाने में हर बीमारी का इलाज है। कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। हमने पूरी कोशिश कर ली, यहां तक कि हमने उनकी मेडिकल की फाइल लंदन भिजवाई थी ताकि हम वहां से कुछ इलाज कर सके, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? देखिए, आप पैसों की जरा से भी चिंता मत कीजिए, अगर मेरी बेटी की जान बचने की जरा से भी उम्मीद है तो हम लंदन तो क्या कहीं भी ले जाएंगे हमारी बेटी को। प्लीज आप मेरी बेटी की जान बचा लीजिए प्लीज। अब कोई उम्मीद नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, देर हो जाएगी, उनकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर दो। उनका ट्रीटमेंट बहुत ही पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं डॉक्टर साहब? अगर आप हमें बता देते तो हम ट्रीटमेंट शुरू करवा देते, ये जिम्मेदारी आपकी थी डॉक्टर साहब। लेकिन जानवी के पति तो जानते थे ये बात। मैं नहीं जानता वो किस वजह से
सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। कई बार मैंने उनको कहा कि ट्रीटमेंट शुरू करवा दो वरना देर हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे कि मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी प्रॉपर्टी से 25% हिस्सा देव के बेटे को दिया जाए। देव, देव रुको। क्या बात है, क्या हुआ? इस तरह घर छोड़ के कहाँ जा रहे हो? किसी ने कुछ कहा? और कहने के लिए बचा है क्या है मम्मी जी? जो नहीं कहना चाहिए था ना वो भी कह दिया आपके लाडले दक्ष ने। माफ कीजिएगा, मेरी भी कोई इज्जत है, पर आज जानवी की जो हालत है ना आपके इन सपूत की वजह से हुई है, मैं और नहीं रुक सकता मम्मी जी यहाँ पे। देव बेटा, इस वक्त तुम्हारा घर छोड़ के जाना ठीक नहीं है। जानवी के बारे में तो सोचो, वो वहाँ हॉस्पिटल में है और तुम इस तरह से। अरे दादी जी आप फिक्र मत कीजिए, जानवी मेरी बीबी है, उसका पति अभी जिंदा है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। प्लीज मुझे बताओ मत मुझे करना क्या है और नहीं करना। जानवी तुम्हारी बीवी बाद में, पहले वो इस घर की बेटी है, तुम उसकी जिंदगी में बाद में आते, तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन जानवी को अकेला छोड़ दो। पापा जी देखा अपने बेटे को, देखा इस बुरे वक्त में कैसे सुना रहा है मुझे। नहीं, इसकी इसकी प्रॉब्लम क्या है, हर वक्त मेरी गलतियां ढूंढता रहता है, मुझे गलत साबित करने लगता है। पापा जी इसको समझाइए, बताइए कि मैं इस घर का जमाई हूं, कोई कुत्ता नहीं हूं मैं। आप चुप क्यों पापा जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है देव का खेल खत्म हो गया है, इसका सच सबके सामने आ गया है। प्रांजल, अच्छा हुआ तुम आ गए, इन्हें बताओ मुझे गलत साबित करने में लगे हुए हैं लोग। लगता है देव की सच्चाई सबको पता चल गई है, अगर इस वक्त मैंने देव का साथ दिया तो सब मुझे भी गलत समझेंगे, सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। प्रांजल तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। तुमने क्या सोचा, तुम कोई गलत काम करोगे और ये लोग तुम्हें समझेंगे नहीं? और मैं इस घर का बेटा होकर तुम्हारा साथ दूंगा, गलती तो मेरी है, मैंने सोचा तुम कितने अच्छे इंसान हो, अनजाने में मैंने तुम्हारा साथ दिया। वाह साले साहब वाह, मौसम बदला तो आप भी बदल गए। तुम्हारी असलियत क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूं। पापा जी आप यही सोच रहे ना कि कंपनी में जो फ्रॉड हुआ उसमें दक्ष को मैंने फंसाया? हाँ पापा जी आप बिल्कुल सच सोच रहे हैं, और आपको पता है ये सब मैंने किसके इशारे पर किया है? ये आपके लाडले सपूत प्रांजल के इशारे पे।